एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पहाड़ों की जिंदगी में। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे साथ है एकता और यहाँ पे बैठी है, ये क्या हो रहा है भाई, दीप्ति ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देख मेरा धूप में कुछ, इतनी धूप तो आने जितना आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो दीप्ति जो भी यहाँ पे फोन चला रही है क्योंकि धूप में इसकी फोन की जो ब्राइटनेस स्क्रीन दिख नहीं रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और दीपिका ही नहीं, यहाँ पे एक और इंसान फोन चला रही थी, देखो आप वो तोलिए में छेद पड़ा फटा हुआ तोलिया लिया ऊपर से। धूप रुकनी चाहिए भाई, कर कह रहे हो आप, छेद फोन चला रही हूँ, धूप में दिख नहीं रहा था जरा। धूप का इतनी तो धूप है नहीं आज, तो अभी चली गई ना, अब आ जाएगी फिर आ जाएगी। हम बैठे हैं अपने छोटे से स्टोर की छत पे लैंटर पे और यहाँ से देखिए व्यू, मतलब यहाँ पे आप जहाँ मर्जी बैठे यार बहुत अच्छा व्यू दिखता है हर जगह से, हर कोने से। वाह, तो बात करते हैं हम आज जो है वो हम जा रहे हैं वापस, हम नहीं सिर्फ मैं जा रही हूँ वापस और मेरे साथ आज सारे गांव की लड़कियां भी जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थी शादी, मेरी फ्रेंड की शादी, मैं आई थी अपनी सहेली की शादी के लिए, फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा, उसकी शादी के लिए। और शादी हो चुकी है ख़त्म, तो क्या आज बारात वापस जाएगी और बारात जाएगी मेरे ही ससुराल वाली साइड, मेरे ही गाँव, मेरे ही घर के साथ में। हाँ चल, एक तो नहीं जाएगी, उसके स्कूल हैं, ये सभी जा रही हैं बारात के साथ और मैं भी इन्हीं के साथ वापस चली जाऊंगी। और ये जो है ना, ये गाय की उसका बोर आ रहा है सामने, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, गांव में होता है ऐसे, छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई सेंसेस बात और हम सब जा रहे हैं, मतलब ये सब जा रही हैं मेरे साथ बारात के साथ, मैं बारात के साथ नहीं जा रही, मैं वापस घर चली जाऊंगी वहां से, मतलब शादी देखूंगी वहां पे, उसके बाद घर जाऊंगी शादी देख के। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं शादी का ब्लॉग पूरा बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि हाँ बिना बर्तन डालने में। और कल मैंने सोचा था कि मैं आपको कल का ब्लॉग दिखाऊंगी, कल की जो मेन शादी वो कल थी। मैं आन आवाज़ से करना, आन म्यूजिक से करना। मैं सोचा था कि मैं कल का ब्लॉग आपको अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, क्या होता है। वैसे तो शादियाँ मैक्सिमम सेम ही होती है, लेकिन पहाड़ों में, हिमाचल में आपने देखा ही होगा, मैक्सिमम अपने अपने गांव, अपने अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग रिचुअल्स होते हैं सबके। तो हमारे भी वैसे ही हैं गांव में, हम में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है बहुत। इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आज का व्लॉग तो पक्का ही शूट करूँगी, थोड़ा बहुत मतलब जो आज होगा थोड़ा बहुत मैं आपको वो दिखाऊँगी, बताऊँगी कि कैसे यहाँ पे शादी में कैसा सिस्टम होता है। वैसे आज विदाई है, आज ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन जो भी होगा वो मैं आपको कोशिश करूँगी साउंड कम कर दिखाने का। मैं नहीं, आज व्लॉगिंग करेगी मेरे बदले आंचल शादी में, तो वो आपको दिखाएगी। और अगर शोर नहीं हुआ, साउंड कम कर, अगर शोर नहीं हुआ तो वो बोल भी देगी आपको, हर एक चीज़ बता के बताएगी, नहीं तो वो रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है आंचल, करोगे रिकॉर्ड अच्छे से, कर लेना। ठीक है, तो आज का व्लॉग भी अच्छा होगा और पिछले व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, तो शायद आपने उससे भी बहुत प्यार दिया होगा, लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे। लाइक भी किया करो और शेयर भी कर दिया करो। और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बाकी अब मिलते हैं तैयार होने के बाद शादी में, तब के लिए। A few minutes later. तो सब हो चुके हैं तैयार। हेलो, शक्ल दिखा दो सब अपनी अपनी। कन्नू, कन्नू, अंकी, मुस्कान, दीपिका, तो ये आंचल हो चुकी है तैयार। पकड़ फोन, अभी ब्लॉगिंग यही करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, बारात जाने का टाइम हो गया है और हम इस टाइम बहुत लेट हो गए हैं। ऐसा ना हो कि अभी हम पहुंचे नहीं और बारात लड़की की विदाई भी हो जाए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग शादी वाले घर में पहुंच गए हैं। ये हम तो हम लोग अभी शादी वाले घर में पहुंच गए हैं। ये हमारे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए जा रहे हैं इस टाइम।
ये हमारे यहाँ शादियों में गाए जाने वाले, हमारी भाषा में गाए जाने वाले सॉन्ग हैं। और यहाँ पे जो है वो दुल्हन दुल्हन को किया जा रहा है तैयार। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो दुल्हन की मामियाँ होती हैं वो दुल्हन के बाल बनाती हैं, और बाल भी कोई ऐसे वैसे हेयर स्टाइल नहीं। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में एक बेसिक हेयर स्टाइल होता है जो मामियों द्वारा किया जाता है। अगर हाँ, वैसे आजकल तो नई जनरेशन को तो आता नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं हमारे दादी वगैरह नानी वगैरह वो कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दुल्हन का फेस क्यों छुपाया है, तो इसका फेस छुपा नहीं रहे हैं ये। यहाँ पे जो बाल है बहुत सफाई से बनाने पड़ते हैं, और यहाँ पे वो थोड़ा सा कुछ सेट कर रही हैं, डोरी वगैरह लगा रहे हैं, इसलिए इनके बालों को ऐसे करके पकड़ा है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और बैकग्राउंड में तो हमारे पुराने सॉन्ग चले ही हुए हैं, गा ही रही हैं औरतें। अच्छा, कई लोग हमारे कल्चर की ड्रेस, हमारे ऐसे हेयर स्टाइल को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये क्या बना दिया, ये क्या है। तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने कल्चर, अब हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी रस्में ऐसी हैं कि उनमें ये चीज़ें की ही जाती हैं और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको दुल्हन से मिलवाते हैं। और ये रही हमारी प्यारी पहाड़ी गांव की दुल्हन, और यहाँ पे जो है वो इसे खाना खिलाया जा रहा है, और अब खाना खाने के बाद जो है वो विदाई की बाकी रस्में शुरू हो जाएंगी। और पीछे तो लाइट पड़ गई थी तो कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे गांव की विदाई की, शादी की जो विदाई की रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और हमारी दुल्हन थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। वैसे टाइम ही ऐसा होता है कि हर कोई इमोशनल हो जाता है। तो विदाई के टाइम हमारे यहाँ दुल्हन को जो उसके मामा होते हैं वो उठाते हैं, और वो उठा के दुल्हन को डोली में डालते हैं या फिर पालकी में, जो भी वो बिठाते हैं। और बाकी हमारे गांव के कुछ कस्टम, कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, और बाकी तो सेम ही होता है मैक्सिमम हर जगह शादियों का सिस्टम। और दुल्हन को वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि दुल्हन को दो बार गेट तक ले जाया जाता है उठाकर, और जब तीसरी बार उसे ले जाएंगे तो सीधे उसे पालकी में बिठा देंगे। आखिरकार विदाई की जो रस्में हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अब ये आखिरी रस्म है, और विदाई जो है वो हो ही गई। और बहुत इमोशनल सा माहौल हो गया था फैमिली के लिए, दुल्हन के लिए, घर वालों के लिए बहुत ही मुश्किल पल होता है। और क्या अब आप समझ सकते हैं इसके आगे मैं क्या बोलूँ। अब विदाई जो है वो हो गई, दुल्हन को घर से ले गए, और यहाँ पे थोड़े से आगे जाके रखा है ताकि जिसको मिलना है, इसके फैमिली मेंबर को, घर वालों को मिलना है, मिल ले। और काजल जी क्या बोलते हैं इसको, कंगने खोलेंगे जो पंडित द्वारा बांधा जाता है। काजल जी तो गलत जाए।
तो बैकग्राउंड में तो आपने सुन ही लिया कि मुझे लड़की ने कहा कि काजल जीत के आना। तो ये जो रस्म होती है बहुत ही हंसी मजाक वाली, बहुत ही फनी होती है। बहुत सैड मोमेंट हो गए पीछे, अब जो है वो थोड़ा हंसेंगे हम। मतलब इस रस्म में क्या होता है कि जो पंडित दूल्हे और दुल्हन को शादी के टाइम हाथ में कंगना बांधते हैं, हमें उसे खोलना होता है। जो दुल्हन का, दूल्हे का, जो भी लड़का या लड़की जो भी खोले, उनके धर्म के अनुसार भाई बहन बनते हैं। और इसमें देखना होता है कि पहले दुल्हन का कंगना खोला जाता है या दूल्हे का, और जो पहले खोलेगा वो विनर होगा। और मैं जीत गई थी, और वो यहाँ पे सामने रखना था, जो पहले रख देता वो जीतता, लेकिन मैंने रखा नहीं, मैं हाथ में ही पकड़ के बैठी रही और दूल्हे की साइड वालों ने रख दिया। और वैसे पर जीती तो मैं ही थी। बाकी जो है वो शादी हो चुकी है, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, विदाई, सभी रस्में। अब बारी है नाचने गाने, और इन लोगों को बहुत जोर से नाचना है। और बाकी की रस्म दिखाएंगे हम आपको। बाकी तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ हमारे यहाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है। और ये आखिरी रस्म थी जो ये भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद थी एक दो और, लेकिन वो तो मैक्सिमम हर जगह सेम होती है, हर जगह होती है मतलब, तो शायद ये भी होती होगी। पर मुझे लगता है शायद ये हिमाचल में या पहाड़ों में ही होती है, बाकी की शादियों में मुझे नहीं पता। हाँ, पर होती होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, होती होगी। और इसकी शादी की वीडियो एडिट करते करते मुझे थोड़े से पुराने पल याद आ गए, अपनी शादी के कुछ पुराने यादें याद आ गई, तो वो जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शेयर करूँगी। थोड़ी सी छोटी छोटी जो क्लिप्स थी मेरे पास मेरी शादी की, वो दिखाऊँगी मैं आपको एंड में। तेरे लाडो परदेस।